नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटनाचक्र वार्षिकांक 2019 को। तो इसमें अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं उत्तर प्रदेश विशेष तक देख चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, वैदिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, और जितना उत्तर प्रदेश का जो विशेष था उसे भी देख चुके। हम लोग बात कर रहे थे संक्षिप्तियों के बारे में। तो इसमें हम लोग चर्चित व्यक्तियों को देख चुके हैं, ठीक। बात करने वाले हैं इसमें पुरस्कारों के बारे में, ठीक है। याद रखिए, जितने भी लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके हैं, जितना पढ़ चुके हैं, वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएगा। वो है अपनी प्लेलिस्ट सूची, उसमें समसामयिक की घटनाचक्र 2019 के नाम से सूची बनी हुई, उसी में पड़े हुए, ठीक। चलिए, इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करते हैं। द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 भारतीय अमेरिकी लेखिका माधुरी विजय को, उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखना, द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसे मिला है? माधुरी विजय विजय को 2019 का, ठीक है, याद रखना। थरे सखारो पुरस्कार 2019 चीन के उइगर अर्थशास्त्री व मानवाधिकार कार्यकर्ता इलहाम तोहिती को मिला है। उन्हें अलगाववाद से जुड़े आरोपों में उम्र कैद की सजा दी गई है। फिर मिस अर्थ 2019 प्यूटोरी टोरिको की नेलिस प्रेमेंटेल को मिला है। मिस अर्थ ईयर वाटर व फायर का किताब क्रमशः इमानी डेविस अमेरिका को, किलारा वावर रुस्कोवा चेक गणराज्य को, अलीसा मनेनोक बेलारूस को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2019 से तो चयनित भारतीय स्थलों की बात करते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा मलेशिया के पेनांग में आयोजित एक समारोह में की गई है। पुरस्कारों हेतु तो चयनित चार भारतीय विरासत स्थल इस प्रकार हैं: विक्रम साराभाई लाइब्रेरी IIM अहमदाबाद, दूसरा है कैनेथ इलिया याहू सनेगो मुंबई महाराष्ट्र, आवर लेडी ऑफ गैलोरी चर्च मुंबई, फिलोरा फाउंटेन मुंबई, ठीक है, ये चार स्थान है। बात करते हैं द बुकर पुरस्कार 2019। प्रसिद्ध कनाडियन लेखक मार्गेट एडवर्ड एवं ब्रिटिश लेखिका वेनरडाइन एवारिस्टो को संयुक्त रूप से प्रदत्त किया गया है। वर्ष 1974 एवं 92 के बाद पहली बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। याद रखना, पहली बार संयुक्त रूप से 74 में दिया गया था, 1974 में, फिर 1992 में, अभी 2019 में दिया गया। मार्गरेट एडवुड अपने उपन्यास द टेस्टा मेंटल के लिए मेंटस के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे बुजुर्ग लेखिका है। इससे पूर्व ने द ब्लाइंड आशा सीन के लिए वर्ष 2000 में पुरस्कार मैन बुकर से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेम बेर्नरडाइन एवारिस्टो अपने उपन्यास गर्ल वुमेन अदर के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली आश्वेत महिला लेखिका है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019। क्रिड्स राइट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार कैमरून की डेवीना मलोम और स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग को प्रदान किया गया है, ठीक है, की जाने की घोषणा कर दी गई है। कौन कौन? डेविना मलोम और ग्रेटा थुनबर्ग। फिर राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है पुरस्कार द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा चार व्यक्तियों को प्रदान की जाने की घोषणा कर दी है। स्वीडन की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग पश्चिमी सहारा क्षेत्र में लोगों के अधिकार के लिए काम करने वाली, मोरक्को की अमीना दोउ हैदर चीन में महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाली वकील गो जियान मेई, ब्राजील में अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाली डेबी कोपनावा तथा हुतो करा यानोमामी एसोसिएशन ब्राजील को, ठीक है। बात करते हैं आगे कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यहीं बात कर लेते हैं लाइन से ही।
मिस इंडिया ग्लोबल 2019 कोची केरल में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब सर्बिया की सारा डेमजनोविक को मिला है। इटेलियन गोल्डन सैंड आर्ट ऑफ आर्ट अवार्ड 2019 उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को मिला है। ठीक, याद रखिए। फ्रेंड नेंस नेंसेन शरणार्थी पुरस्कार 2019 राष्ट्रविहीनता के शिकार लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे किर्गिस्तान के वकील अजीब बेग असूरोव को मिला है। UNEP एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019 भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रमेश पांडे को मिला है। फिर ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड 2019 बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। एम्बेसडर ऑफ कॉन्सेंस पुरस्कार 2019 एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ती गेटा थुनबर्ग एवं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान को मिला है। ठीक है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का कर्नाटक में जन्मी भारतीय मूल की प्रिया सेराव को मिला है। पहला जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश पुरस्कार अमेरिकी के राष्ट्रपति पूर्व जिमी कार्टर को मिला है। ठीक, नाइट ऑफ ऑर्डर द स्टार ऑफ इटली इतालवी भाषा विशेषज्ञ लेखिका प्रतिष्ठा सिंह को मिला है। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार महिला लेखिका टायरी जॉन्स को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास एन अमेरिकन मैरिज के लिए मिला है। फिर पेन पेंटर पुरस्कार 2019 ब्रिटिश लेखिका लेखक लैम सिस्से एम बी को मिला है। सासा कावा पुरस्कार 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को मिला है। सातवा जुआन मेरो मेरो पुरस्कार 2019 मुंबई की प्रसिद्ध समकालीन कलाकार नलिनी मालानी को मिला है। ठीक है, यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ए पोस्टल रूस का यह सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 म्यांमार के पत्रकार क्यो सो ओ या लोन को मिला है। ठीक, एवं या लोन को मिला। फिर बोडले मेडल 2019 नोबेल पुरस्कार के विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन तथा उपन्यासकार काजुओ इसी गुरु को मिला है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार केन्या के विज्ञान शिक्षक पीटर तबीची को दिया गया है। टेम्पलटन पुरस्कार 2019 ब्राजील के प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी एवं खगोलविद मार्सेलो ग्लीसर को मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 डॉक्टर जैकी किंग को मिला है, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक, एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार भारत स्थित नो फूड वेस्ट संगठन के संस्थापक पद्म नाथन गोपालन को मिला है। प्रतिज्ञा आर्किटेक्चर पुरस्कार जापान के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अराता ईसो ईसो जाकी को मिला है। ठीक, फिर ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 भारतीय शिक्षिका डॉक्टर दिव्या कर्नाड को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार समुद्री जीवों की संरक्षण के लिए दिया गया है। प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिर अगला है मेटेरियल्स रिसर्च हेतु पहला शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात UAE के सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल्स को प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत रत्न को प्रोफेसर CN राव को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2018 फिलीपींस की कैटरीना गेबो मिस्टर सुप्रानेशल नेशनल 2018 द्वीपित मिस मिलिंग कर को मिलते हैं। यह इस किताब को जीतने वाली पहली एशियाई भारतीय पुरुष है। ठीक, तीसरा गिलिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2018 तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ के अध्यक्ष व भारतीय मूल के प्रतिष्ठित मृदा विज्ञान प्रोफेसर रतन लाल को दिया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018
भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सैनी ने यह किताब जीता है। अब बात करते हैं रॉयल सोसाइटी साइंस बुक प्राइज 2019। ब्रिटिश नारीवादी कार्यकर्ती लेखिका एवं पत्रकार कैरोलिन कियाडो पेरेज को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी दूसरी पुस्तक इन विजुअल विजिबल वुमेन एक्सपोजिंग डाटाबेस इन वर्ल्ड डिजाइंड फॉर मैन के लिए दिया गया। बात करते हैं रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2019। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है इसे, याद रखना। इस वर्ष यह पुरस्कार एक भारतीय सहित कुल पांच व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है, याद रखना। रवीश कुमार भारत के पत्रकार हैं, इन्हें दिया गया। फ्रेंड रेमंडो को जानते काया कायाम बाद याद फिलीपींस के किम जोंग की दक्षिण कोरिया के को सोएबिन ये म्यांमार के अंखाना नील पायजीत थाईलैंड के, ठीक है, याद रखना। बात करते हैं पहला गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019। यह पुरस्कार तीन क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यक्तियों को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। सामाजिक प्रभाव, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया गया। पर्यावरण के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी महेंद्र मोदी को दिया गया। तीसरा है युवा सामाजिक परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के एक्शन इंडिया संस्था की सबाना खान, स्नेहा और सुमन को दिया गया। इसके अलावा वियतनामी बौद्ध भिक्षु और शांति कार्यकर्ता थिक नियात हान को गांधी मंडेला पीस मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। फिर अगला है फुकुओका पुरस्कार 2019। ग्रैंड पुरस्कार रेंडाल्फ डेविड फिलीपींस, अकादमी पुरस्कार लियोनार्ड ब्लूजे नीदरलैंड, कला एवं संस्कृति पुरस्कार साटो मकोटो जापान को दिया गया। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस पुरस्कार 2019। ब्रिटिश श्रीलंकाई मानवाधिकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं नवोदित उपन्यासकार गाई गुणारत्ने को दिया गया। यह पुरस्कार उनके नवोदित उपन्यास इन अवर मैंड एंड एंड फ्यू रियस सिटी के लिए दिया गया। फिर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, लंदन स्थित मैन बुकर फाउंडेशन द्वारा ओमान की लेखिका जोखा अलहारती को दिया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया। बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। अमेरिकी सीमा पर एक छोटी बच्ची की असहाय रूप से रोने की तस्वीर को ग्रेटी इमेजेज के वरिष्ठ फोटोग्राफर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता जॉन मोरे अमेरिका ने को दिया गया है, ठीक है। फिर पुलित्जर पुरस्कार 2019। पत्रकार का लोक सेवा साउथ फ्लोरिडा सन सेंटियल को बेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में, पीटर्सबर्ग पोस्ट गजट के स्टाफ को खोजी रिपोर्टिंग, लॉस एंजल्स टाइम के मैट हैमिल्टन, हैरियट रयान और पॉल पिंगल को राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, द वॉयल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में, एसोसिएटेड प्रेस के मैग माइकल मार्ड अल जिक्री और नरीवन अल मुफ्ती को साहित्य नाटक संगीत कथा श्री रिचर्ड पारवस द्वारा लिखित द ओवर स्टोरी को नाटक के लिए, ड्रामा के लिए जैकी सिवलीज डोरी द्वारा लिखित फेयर व्यू को संगीत एलन रीड के पिजिम को एवल पुरस्कार 2019। द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ कैरेन किस्कुल्ला ओहेलेन बेक को यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। डैन डेविड पुरस्कार 2019। भूतकाल आयाम मैक्रो इतिहास प्रोफेसर केनेथ पोमेरेंज अमेरिका को, प्रोफेसर संजय सुब्रमण्यम भारत। वर्तमान काल आयाम लोकतंत्र का बचाव प्रोफेसर माइकल इग्नाटिक कनाडा को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस को।
भविष्यकाल आयाम, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, क्रिस्टियाना फेगोरेस रेस कोस्टारिका को। बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2018। मिस वर्ल्ड सौंदर्यता प्रतियोगिता का 68वां संस्करण सान्या चीन में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में मेक्सिको की सिल्विया वनेसा पोंस डी लियोन सांचेज ने वर्ष 2018 का मिस वर्ल्ड खिताब जीता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 द गार्जियंस एंड द वॉर ऑन ट्रूथ को चुना गया है। ठीक है, उन पत्रकारों का समूह है जिनको पत्रकारिता के दौरान उत्पीड़न एवं गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा या उनकी हत्या हुई है। फ्रेश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार 2018 पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ती एवं अधिवक्ता असमा जहांगीर को मरणोपरांत, तंजानिया की महिला एवं बालिका अधिकार कार्यकर्ती रेबेका गयोमी को, ब्राजील की स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की कार्यकर्ती जोनिया वापी चाना को तथा आयरलैंड के मानवाधिकार संगठन फ्रंटलाइन डिफेंडर्स को प्रदान किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। किसके राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 29वां व्यास सम्मान 2019 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को दिया गया है। याद रखना 29वां व्यास सम्मान। इन्हें यह पुरस्कार 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2018 के पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें भारत भारती सम्मान डॉक्टर उषा किरण खान को पटना की है, लोहिया साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें डॉक्टर मनमोहन सहगल पटियाला को दिया गया। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर वाराणसी को दिया गया। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान श्री भगवान सिंह भागलपुर को दिया गया। श्री दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे लखनऊ को दिया गया। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर श्रीमती कमल कुमार दिल्ली को दिया गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल को दिया गया। ठीक, अगला है 5वां विजिटर्स अवार्ड 2019 राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा घोषित। ठीक, अनुसंधान के लिए विजिटर्स अवार्ड मानवकी कला और साहित्य विज्ञान पुडुचेरी विश्वविद्यालय के अप्लाइड साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर शिवनाथ देव को दिया गया। शारीरिक विज्ञान जेएनयू के प्रोफेसर संजय पुरी को दिया गया। जीव विज्ञान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जैव प्रौद्योगिकी इकाई के प्रोफेसर असद उल्लाह खान तथा जियोनिक नैनो साइंस के विशेष केंद्र में कार्यरत डॉक्टर प्रतिमा को दिया गया। प्रौद्योगिकी विकास के लिए विजिटर्स अवार्ड त्रिपुरा विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉक्टर सावोन रे चौधरी को दिया गया। अब बात करते हैं 40वां सरला पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध उड़िया लेखक प्रदीप दास को दिया गया। यह उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह चारू चिवार ओ चार्जिया के लिए प्रदत्त किया गया। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा सितंबर 2019 में। तो बात करते हैं राष्ट्रीय गांधी सम्मान लोकायुक्त पुणे अलका जोशी को। ठीक है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2017 के लिए नरेश सक्सेना ग्वालियर, वर्ष 2018 के लिए गोल्टी विकन्ना हैदराबाद को। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2017 के लिए राजेश जोशी भोपाल को, वर्ष 2018 के लिए मंजू एहतेशाम भोपाल को दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2017 के लिए यशवंत व्यास जयपुर को दिया गया, वर्ष 2018 के लिए रवीश कुमार को दिल्ली को दिया गया। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2017 के लिए शमसुर रहमान फारूकी दिल्ली को दिया गया, 2018 के लिए गजनफर अली अलीगढ़ को दिया गया। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करें तो 2017 के लिए कैलाश चंद शर्मा को जयपुर के हैं और 18 के लिए विक्रम यादव राजनंदगांव के हैं। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2017 के लिए कृष्णा वर्मा को दिया गया, उज्जैन के हैं, और 2018 के लिए शांति देवी झा को दिया गया, ये बिहार की हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018 के लिए अशोक चक्रधर को दिया गया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2017 के लिए प्रिय दर्शन चेन्नई को, वर्ष 2018 के लिए वहीदा रहमान मुंबई को दिया गया।
अब बात करते हैं अंगलाय योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2019 के विजेता व्यक्तिगत राष्ट्रीय वर्ग लाइफ मिशन गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि को, व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में इटली की एंटोनिएटा रोजी को, संगठन राष्ट्रीय वर्ग बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर को, संगठन अंतर्राष्ट्रीय वर्ग जापान योग निकेतन जापान को। ठीक है, अब बात करते हैं वीरता पुरस्कार 2019। कीर्ति चक्र सैपर विकास यादव मरणोपरा दिया गया है, इंजीनियर्स को राष्ट्रीय राइफल की प्रथम बटालियन को। ठीक, और हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट सीआरपीएफ। ठीक, वीर चक्र की बात करें तो विग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को फ्लाइट पायलट है वायुसेना। ठीक, सौर चक्र की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा को थल सेना में, मेजर विभूति शंकर डोंडियाल मरणोपरांत दिया गया थल सेना में, कैप्टन महेश कुमार भूरे थल सेना के, लांस नायक संदीप सिंह मरणोपरांत दिया गया थल सेना में, सिपाही ब्रजेश कुमार को मरणोपरांत दिया गया है, सिपाही हरि सिंह को मरणोपरांत दिया गया थल सेना के, राइफलमैन अजरवीर सिंह चौहान थल सेना के, राइफलमैन शिव कुमार इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, अमित सिंह राणा नौसेना के, सेवक ध्यानेश्वर श्रीराम सिपाही हैं सीआरपीएफ, जाकिर हुसैन सिपाही हैं सीआरपीएफ के, आसिक हुसैन मलिक मरणोपरांत दिया गया है विशेष पुलिस कार्मिक हैं, सुभाष चंद्र हवलदार मुख्य सिपाही हैं जम्मू कश्मीर, एवं इमरान हुसैन टाक सब इंस्पेक्टर थे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019। साहित्य अकादमी द्वारा 23 भाषाओं में अपने वार्षिक युवा पुरस्कार की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अनुज लोगन को उनकी कविता बाघ और सोगना मुंडा की बेटी हेतु दिया गया है। 28वां बिहारी पुरस्कार की बात करें 2018 तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया है, उनकी हिंदी उपन्यास स्वप्न वास के लिए। फिर 28वां सरस्वती सम्मान 2018 तो ये दिया गया प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवारेड्डी को, उन्हें यह सम्मान उनके काव्य संग्रह पक्का की ओती गिलिदे को दिया गया है। ठीक है, फिर पद्म पुरस्कार 2019। कौन है पद्म पुरस्कार 2019? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2019 के पद्म पुरस्कारों की वितरण की घोषणा की गई। पुरस्कारों का वितरण तो पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार है, तीजन बाई कला गायन लोक क्षेत्र से छत्तीसगढ़ की हैं, इस्माइल उमर गुले इस सार्वजनिक मामले के हैं जिबूति के हैं याद रखना, अनिल कुमार मणिभाई नाइक व्यापार उद्योग बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया क्षेत्र के महाराष्ट्र में, वलवंत मुरेश्वर पुरंदर एक कला अभिनय थिएटर महाराष्ट्र के। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार हैं, जॉन चैम्बर्स व्यापारी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका के हैं, सुखवीर सिंह डिंडसा सार्वजनिक मामले पंजाब के, प्रवीण गुरधरन सार्वजनिक मामले दक्षिण अफ्रीका के, महाशय धर्म पाल गुलाटी व्यापार उद्योग खाद्य प्रसंस्करण दिल्ली, दर्शन लाल जैन हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अशोक लक्ष्मण राव कुंकड़ चिकित्सा किफायती स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महाराष्ट्र के, करिया मुंडा कुमला सार्वजनिक मामले झारखंड के, बुद्धादित्य मुखर्जी कला संगीत सितार पश्चिम बंगाल के, मोहनलाल विश्वनाथ नायर कला अभिनय फिल्म क्षेत्र में केरल के, एस नाम्बी नारायण विज्ञान और इंजीनियरिंग अंतरिक्ष में के क्षेत्र में इन्हें केरल में के हैं, कुलदीप नेयर इन्हें मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए मिला है दिल्ली के, वचेंद्री पाल खेल पर्वतारोहण है उत्तराखंड के, बी के सुंगलो सिविल सेवक हैं दिल्ली
हुकुम नारायण यादव सार्वजनिक मामलों के बिहार के हैं, ठीक है। पद्म श्री की बात कर लें तो राजेश्वर आचार्य कला गायन हिंदुस्तान नहीं उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। मनोज वाजपेयी कला अभिनय फिल्म महाराष्ट्र के हैं। सुनील छेत्री खेल फुटबॉल तेलंगाना के हैं। प्रभु देवा कला नृत्य कर्नाटक के हैं। हरिका द्रोणावली खेल शतरंज के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हैं। गौतम गंभीर खेल क्रिकेट दिल्ली के। वजरंग पूनिया खेल कुश्ती हरियाणा के हैं। अजय ठाकुर खेल कबड्डी हिमाचल प्रदेश के हैं। फिर शांति सिंह खेल बास्केट उत्तर प्रदेश। कादर खान मरुड़पान दिया गया ने कला अभिनय फिल्म में कनाडा में इनका मृत्यु हुई थी, ठीक है। शंकर महादेवरन नारायण कला गायन फिल्म महाराष्ट्र के। इलियास अली मेडिसिन सर्जरी असम के। फेडविक इरीना सामाजिक कार्य पशु कल्याण जर्मनी के। एस जयशंकर सिविल सेवा सेवक हैं, सेवा के लिए दिल्ली के। विदेशियों आप्रवासियों भारतीय मूल के व्यक्तियों मंडपांत श्रेणी में पुरस्कारों के विजेताओं को दर्शाते हैं। याद रखिए स्टार की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ यहीं दिए गए हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो याद रखना इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को दिया गया है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार यह राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन गुलाब कोठारी को दिया गया। सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मुंबई में आयोजित एक समारोह में कैलाश सत्यार्थी एवं अजीत सिंह के साथ 10 अन्य व्यक्तियों संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तो याद रखना 2017-18 प्रसिद्ध पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार 2019, तो ये देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन को दिया गया। विष्णुदास भावे अवार्ड 2019 वरिष्ठ अभिनेत्री रोहिणी को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2019 तो पादप वैज्ञानिक डॉक्टर मंजू शर्मा को दिया गया। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया। एशिया गेम्स गेम चेंजर पुरस्कार 2019 इस वर्ष निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच करने वाली महिला पुलिस अधिकारी छाया शर्मा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20 तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध संगीतकार उषा खन्ना को दिया गया। नीरजा भनोट पुरस्कार 2019 केरल के सामाजिक कार्यकर्ती सीफिया हनीफ को दिया गया। वायलर पुरस्कार 2019 तो बीजे जेम्स को उनके उपन्यास निरीश्वरन के हेतु दिया गया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2019 इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक के सहायक प्रोफेसर एडम हार्पर को दिया गया। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एस सोम्मा को दिया गया। प्रोफेसर सी आर राव पुरस्कार 2019 आईआईटी कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ शंकर धर को मिला है। यह उन्हें पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया 2019 राजस्थान की सुमन राव को दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं सेव वाटर हीरो अवार्ड 2019 पुणे स्थित हृदय मित्र फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद टिल्लू को दिया गया। फिर बात करते हैं पीसी चंद पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी प्रसाद सेट्टी को दिया गया। रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 साहित्य के लिए राणा दासगुप्ता उनके साहित्यिक उपन्यास सोलो के लिए दिया गया। सामाजिक उपलब्धि के लिए यूहेई सासाकावा को दिया गया। 28वां जी डी बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक 2018 का वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु प्रोफेसर राजीव कुमार वार्ष्णेय को दिया गया है। फिर चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018 मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2018 का उत्कृष्ट महिला मीडिया व्यक्तित्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे को दिया गया। पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार
2019 का बाय भारतीय वायुसेना विंग कमांडर अभिनंदन वर्मा वर्तमान को दिया गया। 24वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2019 के लिए बिहार के युवा लेखक एवं आलोचक मृत्युंजय पांडे को। वर्ष 2018 में प्रकाशित उनकी आलोचनात्मक पुस्तक रेडू का भारत के लिए दिया गया। फ्रैंक कुसुमा ग्रज राष्ट्रीय राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2019 फिल्म निर्देशक और उपन्यासकार वेदी राही को दिया गया। श्री लाल शुक्ल स्मृति इको साहित्य सम्मान 2018 बिहार के वरिष्ठ कथाकार रामधारी सिंह दिवाकर को दिया गया। सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार वर्ष 2016-17 में एक महिला लेखिका द्वारा कथा साहित्य पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हेतु प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए प्रदान किया गया। चंगनबाग ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के लिए अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एवं उपन्यासकार अमिताव घोष को दिया गया। सयाजी रतन पुरस्कार 2018 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। पहला विश्व कृषि पुरस्कार 2018 तो भारत में हरित क्रांति के जनक एवं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2018 गगनेन्द्र नाथ दास शैलजा शंकर बापट हरिकृष्ण द्विवेदी डॉक्टर शमीम शर्मा को दिया गया। ठीक, आगे बात करते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2015 से 2018 तक। वर्ष 2015 हेतु पुरस्कार ग्रामीण विकास शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों के विकास में योगदान देने हेतु विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को दिया गया है 2015 के लिए, याद रखना। 2016 हेतु पुरस्कार संपूर्ण भारत के लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को तथा भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार और मैला ढूंढने वालों से मुक्ति के लिए सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया, संयुक्त रूप से दोनों। वर्ष 2017 हेतु पुरस्कार भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण और जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने ग्रामीण सशक्तिकरण और लिंग सामाजिक समानता हित में योगदान हेतु एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया है। 18 की बात करें तो 18 हेतु यह पुरस्कार भारत और विश्व में कुष्ठ उन्मूलन में योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत यू ए ई सासा काबा को दिया गया। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के मामले में। तो साहित्य अकादमी में 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 की घोषणा, जो चित्रा मुदगल का उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 को नाला सोपारा हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार अनीस सलीम के उपन्यास द ब्लाइंड लेडी डिसेंडेंट्स को दिया गया। बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 जीव विज्ञान डॉक्टर कायारत साई कृष्णन एवं डॉक्टर सुमेन बसक को दिया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर राघवन बी सुनोज और डॉक्टर तपस कुमार माझी को दिया गया। कृष्ण पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सुखीमल घोष को दिया गया। अभियांत्रिकी विज्ञान डॉक्टर मानिक वर्मा को, गणितीय विज्ञान डॉक्टर दिशांत मयूर भाई पंचोली एवं डॉक्टर नीना गुप्ता को, चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर धीरज कुमार डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली को, भौतिक विज्ञान डॉक्टर अनिंदा सिंघा एवं डॉक्टर शंकर घोष को। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। द वेस्ट फीफा वर्ल्ड फुटबॉल अवार्ड 2019 अर्जेंटीना और बार्सिलोना क्लब के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी को द वेस्ट फीफा मैन ऑफ प्लेयर अवार्ड प्रदान किया गया। अमेरिका की मैगन रेपिनो को द वेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर अवार्ड प्रदान किया गया। द बेस्ट फीफा मैंस गोलकीपर अवार्ड एलिसन ब्राजील को दिया गया। द बेस्ट फीफा मैंस कोच अवार्ड जुर्गेन क्लॉप जर्मनी को दिया गया है। फीफा पुस्कास अवार्ड ये दिया गया है डेनियल जोसुरी हंगरी को। फीफा फैगन अवार्ड सिल्विया ग्रेको ब्राजील को दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के बारे में। वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित राजीव खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पुनिया कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया। दीपा मलिक को
पैरा एथलेटिक्स को पदक किया गया। ठीक है, याद रखना, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019, बिमल कुमार बैडमिंटन के में, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस, मोहिंदर सिंह ढिल्लो एथलेटिक्स, मेजबान पटेल हॉकी लाइफ टाइम, रामवीर सिंह गोखर कबड्डी लाइफ टाइम, संजय भारद्वाज क्रिकेट लाइफ टाइम। अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो तेजिंदर पाल सिंह तूर एथलेटिक्स, मोहम्मद अनस याहिया एथलेटिक्स, एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग, सोनिया लाथेर बॉक्सिंग, रविंद्र जडेजा क्रिकेट, चिंगलेन साना सिंह कंगू जम हॉकी के लिए, अजय ठाकुर कबड्डी, गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स, प्रमोद भगत पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन, अंजुम मुदगिल शूटिंग, हरमीत राजुल देसाई टेबल टेनिस, पूजा डांडा रेसलिंग, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल, पूनम यादव क्रिकेट, स्वप्ना बर्मन एथलेटिक्स, सुंदर सिंह गुर्जर पैरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, भामी दीपति साई पीडित बैडमिंटन, सिमरन सिंह सरगल पोलो के लिए दिया गया। ठीक है, याद रखना। ये बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार 2019, तो मैनुअल फेडरिक्स हॉकी के लिए, अरूप बसक टेबल टेनिस, मनोज कुमार कुश्ती के लिए, नितिन कीर्तन टेनिस के लिए, सी लाल रेमसंगा तीरंदाजी के लिए। बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय के रूप में दिए गए। अब बात करते हैं BCCI अवार्ड्स 2016-17 एवं 17-18। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2016-17, 17-18 हेतु वार्षिक पुरस्कारों का वितरण बंगलुरु में किया गया। 2016-17 के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर पंकज रॉय को मरणोपरांत कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। पिछले 2 सत्रों 16-17 और 17-18 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर पॉली उमरीगर अवार्ड विराट कोहली जी को दिया गया। 2016-17 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का अवार्ड हरमन प्रीत कौर को दिया गया है। ठीक है, और 2017-18 के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ को कर्नल सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वर्ष 2017-18 हेतु सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पुरस्कार स्मृति मंदाकिनी को दिया गया। ठीक है, यही देख लेते हैं हम लोग कुछ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए, इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला है हमारा ATP WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। पुरुष वर्ग में स्पेन के राफेल नडाल को और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के एसले बार्टी को दिया गया। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2018, तो राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया 29 अगस्त 2019 को। अपर्णा कुमार को भू साहित्यिक कार्य के लिए, स्वर्गीय दीपांकर घोष को भू साहित्यिक कार्य के लिए, मणिकंदन को भू साहित्यिक कार्य के लिए, प्रभात राजू कोहली को जल साहित्यिक कार्य के लिए, रामेश्वर जांगड़ा को वायु साहित्यिक कार्य के लिए, वांग चुप शेरपा को लाइफ टाइम अचीवमेंट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वार्षिक पुरस्कार 2018-19 नई दिल्ली में वितरित हुए 9 जुलाई 2019 को। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया। रिकॉर्ड 6वीं बार प्रदान किया गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल आशा लता देवी मणिपुर को दिया गया। फ्रेश सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2019 13 मई 2019 को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2019 का वितरण मुंबई में किया गया। भारतीय क्रिकेट उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहिंदर अमरनाथ को प्रदान किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट और बैट्समैन ऑफ द ईयर भारतीय विराट कप्तान विराट कोहली जी को दिया गया। AHF अवार्ड प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार हैं, एयर मार्शल नूर खान अवार्ड ये ताहिर जमान पाकिस्तान को दिया गया, सुल्तान अजलान शाह अवार्ड ये
सरेंद्र ढिल्लो हांगकांग को दिया गया। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हरमनप्रीत सिंह भारत को दिया गया। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में सेहोई होई का जापान को दिया गया। आगे बात करते हैं विलोन डी ओ और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लुका मॉड्रिक मॉड्रिक क्रोएशिया को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एडा हेगरबर्ग नॉर्वे को पुरुष अंडर 21 में दिया गया है। केलियन म्यापे फ्रांस को। आई ए एफ वर्ल्ड एथलीट पुरस्कार ऑफ द ईयर 2018 पुरुष वर्ग में 34 वर्षीय केन्याई धावक एलियुड कैप चौगे और महिला वर्ग में कैटरीन एवार ग्वेन कोलंबिया को दिया गया। बात कर लेते हैं आईसीसी अवार्ड 2018। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वर्ष 2018 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई। क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के कप्तान विराट कोहली को प्रदान की गई। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल हेहोय फ्लेंट अवार्ड भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना को दिया गया। अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली भारत को, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली को, T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया को, आईसीसी इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऋषभ पंत भारत को, आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर ट्रॉफी कुमार धर्मसेना को श्रीलंका के, भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट एवं एकदिवसीय टीम का कप्तान चुना गया। क्रिकेट ऑफ द ईयर टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर तथा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे तीन शीर्ष अवार्ड जीतने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। बात करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 मोनाको में वितरित हुए। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच टेनिस सर्बिया के हैं, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन वाइल्स जिमनास्ट अमेरिका की हैं, टीम ऑफ द ईयर फ्रांस पुरुष फुटबॉल टीम, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड युवा फुटबॉल भारत, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आर्सेन सने बेगर फुटबॉल फ्रांस के। बात करते हैं FIH हॉकी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड बेल्जियम के आर्थर वान डोरेन को लगातार दूसरी बार प्रदान किया गया। वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो अवार्ड नीदरलैंड की युवा डे गोइडे को ने जीता। बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण पुरस्कार 2018-19, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल 16 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें 8 खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई तथा 8 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं हम लोग रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के बारे में। याद रखना दिव्या काकरण कुश्ती से संबंधित है, स्वाति सिंह वेटलिफ्टिंग, प्रीतिका सिंह तीरंदाजी, अन्नू रानी एथलेटिक्स, नमिता सेठ सॉफ्ट टेनिस, विशाखा मलिक वसु तेजस्विनी सिंह हैंडबॉल, मंजू विष्ट हॉकी वेटरन। लक्ष्मण पुरस्कारों की बात करें तो ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, संदीप तोमर कुश्ती से संबंधित, सरदुल बिहान निशानेबाजी, अजय कुमार सरोज एथलेटिक्स, आशीष कुमार जिम्नास्टिक, विजय कुमार यादव जूडो, अब्दुल अजीज हॉकी वेटरन वर्ग, अमरीश कुमार एथलेटिक्स वेटरन वर्ग। यह इन पुरस्कार विजेताओं को 3.11 लाख रुपए कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखो। अब बात कर लेते हैं फिल्म पुरस्कार 2019 की। 20वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2019, 20वां आईफा पुरस्कार वितरण समारोह मुंबई में आयोजित हुआ है। पहली बार यह समारोह मुंबई में आयोजित हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी के लिए निर्देशक हैं मेघना गुलजार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री राम राघवन फिल्म अंधाधुन के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह पद्मावत के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट राजी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विक्की कौशल फिल्म संजू के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अदिति राव हैदर फिल्म पद्मावती के लिए,
आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन द टू इंडियन सिनेमा, प्रसिद्ध कॉमेडियन इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप को इस बार आईफा के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर हेतु आईफा विग 20 पुरस्कार, राकेश रोशन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार हिरानी को प्रदान किया गया। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा विग 20 पुरस्कार रणवीर कपूर एवं अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को दिया गया है। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म समारोह में निर्देशालय द्वारा घोषित अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित फिल्म हेलोरो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अन्य प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए, विक्की कौशल को भी फिल्म उरी के लिए द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सुरेश को फिल्म महानती तेलुगु के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्वानंद किरकिरे फिल्म चुंबक मराठी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सुरेखा सीकरी फिल्म बधाईयों के लिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन निर्देशक श्री राम राघवन को, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैडमैन, पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पानी मराठी में, सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म बधाईयों, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सरकारी हिरिया प्राथमिक का साले कासा रगुड़ कन्नड़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह गीत बिनते दिल मेरी मिसरिया में फिल्म पद्मावत के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका बिंदु मालिनी गीत है मायावी मनोवे फिल्म नाथी नाती चरामी के लिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक संजय लीला भंसाली फिल्म पद्मावत के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को प्रदान किए जाने की घोषणा की। बात करते हैं 64वां फिल्म फेयर अवार्ड 2019। 64वां फिल्म अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन जियो गार्डन BKC मुंबई में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स अंधाधुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर फिल्म रणवीर संजू के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म राजी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स रणवीर सिंह फिल्म पद्मावत एवं आयुष्मान खुराना फिल्म अंधाधुन के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स नीना गुप्ता फिल्म बधाईयों के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेघना गुलजार फिल्म राजी के लिए। महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो 72वां कांस फिल्म महोत्सव एंटोनियो बैंडरास को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमिली बीचम, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीनर जीन पीरिकोर और लुक डार्डेन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट। 72वां बाफ्टा पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रामी मालेक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ओलिविया कोलमैन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है अल्फांसो क्यूरोन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है रोमा। 69वां वर्ल्ड फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे वांग जिंग चुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं योंग मेई, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं एंजेला स्काने लेक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सिनो नेम्स। बात करते हैं भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2019 के मध्य गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ। मुख्य विषय रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, फोकस देश रहा है रूस। महोत्सव का शुभारंभ गोरान पास्कल जैविक द्वारा निर्देशित इटालियन फिल्म डिस्पाइट द फॉग के प्रदर्शन के साथ किया गया। महोत्सव का समापन मोहसेन मखमल बाप द्वारा निर्देशित इटालियन फिल्म मार्गे एंड हर मदर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। जर्मनी के फिल्म निर्देशक मार्टिन श्रेईर द्वारा फिल्म ट्राउम फैब्रिक महोत्सव की मिड फिल्म के लिए मिला है। फ्रेंच अभिनेत्री इसाबेल हफर्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुई। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजनीकांत को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ आई एफ आई से सम्मानित किया गया है। याद रखना
आगे बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम संजय लीला भंसाली फिल्म पद्मावत के लिए दिया गया है, ठीक है, इसमें 64 वें में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार सिंह फिल्म राजी के लिए गीत ए वतन। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह फिल्म राजी के लिए ए वतन। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका सिया घोषाल फिल्म पद्मावत के लिए गीत घूमर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रीदेवी मरणोपरांत दिया गया। सिनेमा में 50 वर्षों के उत्कृष्ट योगदान हेतु हेमा मालिनी को। फिल्म संगीत में उदीयमान प्रतिभा के लिए आरडी बर्मन पुरस्कार। नीलाद्री कुमार फिल्म लैला मजनू के लिए। बात करते हैं 91वां ऑस्कर पुरस्कार 2019। अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 91वां अकादमी पुरस्कार लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ग्रीन बुक, निर्देशक हैं इसके पीटर फेरेली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अल्फांसो क्यूरोन फिल्म है रोमा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालेक बाहेमियन रैप्सोडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन द फेवरेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महेर सली साला अली फिल्म ग्रीन बुक के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रेगिना किंग फिल्म एफ बी एल स्ट्रीट फूड ट्रॉप के लिए। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म रोमा स्पेनिश मिक्सटेड भाषी की फिल्म दिस मेक्सिको के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। 61वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार। एल्बम ऑफ द ईयर गोल्डन पुरस्कार गोल्डन ओवर केसी मुसगिब्स गायन एवं गीतकार। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका गायक हैं चाइल्डिस गेवन। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका बेस्ट न्यू आर्टिस्ट आर्टिस्ट डुआ लिपा। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस जोआने वियर डू यू थिंक यू आर गोइन लेडी गागा। बेस्ट चिल्ड्रेन एल्बम ऑल द साउंड्स लूसी कल्टरी और द जैक किड्स। 76वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019। प्रमुख वर्गों में प्रदत्त पुरस्कार इस प्रकार है। मोशन पिक्चर नाटक ड्रामा सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालेक फिल्म है बोहेमियन रैप्सोडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ग्लेन क्लोज द फिल्म द वाइफ के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी वर्ग सर्वश्रेष्ठ फिल्म ग्रीन बुक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिश्चियन बेल फिल्म वाइस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन फिल्म है द फेवरेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अल्फांसो कुआरोन फिल्म रोमा के लिए। बात कर लेते हैं अन्य फिल्म पुरस्कारों के बारे में। द गोल्डन डेकन अवार्ड 2019 वैश्विक सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। 9वां सार्क फिल्म महोत्सव 2019 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित। 2 से 7 जुलाई 2019 इस फिल्म में महोत्सव में कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित भारतीय बांग्ला फिल्म नगर कीर्तन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर सह 4 पुरस्कार जीते। अन्य प्रमुख पुरस्कार विजेता इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म ना बोलो ना बोलें बोलें वो हराम निर्देशक हैं इसके नितेश पदंकर भारत के। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौशिक गांगुली फिल्म है नगर कीर्तन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रिद्धि सेन फिल्म है नगर कीर्तन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनोमा जानादरी फिल्म है दवेना विया गुण श्रीलंका से, ठीक। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण थे पुरस्कार देख लिए। बात करेंगे हम लोग आगे अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के बारे में जो चर्चा में रहे। याद रखना कंप्लीट पुरस्कार हो गए हम लोगों के, ठीक है, याद रखना। नोबेल प्राइज जो बचे हुए थे वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, याद रखना।